अब आपने पूरा जीवन ऐसे गुजारा, अपनी समय, अपनी शक्ति और अपना सामर्थ्य तीनों आपने किसी और के लिए यूज में लाए, किसी और के लिए उसका उपयोग किया। अब मैंने क्या कहा था, ये सिस्टम है। फिर आपने वो जो पैसे जमा किए, जो सामान जमा किया, जो साधन जमा किए, उनसे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा कर दिया, फिर उनकी शादियां कर दी। अब शादियां करके उनके बच्चे हुए। क्या कहा मैंने, ये सिस्टम है। जब उनके बच्चे हुए तो फिर वो अब वही सोचेंगे जो किसी जमाने में जी आपने सोचा था। अब वो ये नहीं सोचेगा कुछ सामान जमा कर लूं तो मेरी मां को बुढ़ापे में काम आएगा, वो ये नहीं सोचेगा, बल्कि क्या सोचेगा, मेरे बच्चों को काम आएगा। वो कमाएगा तो कमाने के पश्चात वो ये नहीं सोचेगा कि इसमें से कुछ मेरी मां को दे दूं, वो ये सोचेगा कि इसमें से कुछ मेरे बच्चों को दे दूं। ये सिस्टम है, इसमें किसी को दोष मत दो, क्योंकि ये ही चीज किसी जमाने में हमने की थी। अब अगर वो हमारे बच्चे करते तो हमें बहुत बुरा लगता है। किसी जमाने में हमने भी यही सोचा था कि मेरा पति मेरे को ज्यादा से ज्यादा समय दे, मेरा पति ज्यादा से ज्यादा मुझे समय दे, मेरे साथ घूमे फिरे, मुझे शॉपिंग कराए, ये हमने कभी सोचा था। और वही बात आज अगर हमारी बहू सोचती है तो हमें लगता है ये हमारे बेटे को अलग कर रही है। वही चीज जो कभी हमने की थी आज कोई दूसरा कर रहा है तो हमको बहुत बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है, कि हमने दूसरों को तो अवॉइड किया लेकिन अपने बच्चों को अवॉइड, अपने मां बाप को अवॉइड किया लेकिन अपने बच्चों को अवॉइड। वो कहते, वो सोचते वो मेरी छाती से हमेशा लगे रहे। यही चीज हमारे मां बाप ने भी सोची थी लेकिन हमने कभी उनके लिए नहीं सोचा था। आज वही हमारे बच्चे कर रहे हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती। यही माया की लाठियां हैं जो श्रील प्रभुपाद जी महाराज समझाना चाहते। जो कल हमने किया था आज वही हमारी बहू कर रही है। यही माया की लाठी जिसकी बड़ी चोट लगती है। और आदमी तो जिंदगी में इधर भी फंसता उधर भी फंसता। अगर वो लायक बेटा है तो नालायक पति है। पत्नी सोचेगी सारा दिन मां के पीछे घूमता है, मेरी सुनता ही नहीं, मेरा पति बिल्कुल नालायक है, बिल्कुल मेरी नहीं सुनता है। सारा दिन पत्नी के पीछे, पत्नी के पीछे, पत्नी के पीछे। जैसे पत्नी कहती है उतना पानी पीता, मैंने दूध पिलाया मेरा दूध का तो कोई मतलब ही नहीं निकला। ले अब वो दुखी है। अगर पति लायक है और पत्नी का पूरा ध्यान रखता है तो मां कहती है, क्या कहती, नालायक बेटा, बिल्कुल नालायक बेटा। इसीलिए कहा गया हर लायक पति नालायक बेटा है और हर लायक बेटा नालायक पति है। आदमी उसी में पिसता है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, बोला बापू एक तो मैं काम से थक जाता हूं, बहुत परेशान रहता हूं, सारा दिन काम, इधर भाग उधर भाग, इधर भाग इधर भाग, इधर भाग उधर भाग, इसकी पूरी कर उसकी पूरी कर, काम का प्रेशर है, कंपटीशन बढ़ गया है, नौकरी का लोड है, बिल्कुल दिमाग में प्रेशर, ट्रेन के धक्के खाओ, दो दो ट्रेनें बदलो, तीन तीन ट्रेनें बदलो, फिर बस बदलो, इतना करके थक कर घर पे आओ
तो अगर देखता हूं तो उधर मां का मुंह चढ़ा, उधर पत्नी का मुंह चढ़ा, पत्नी के कमरे में जाता हूं तो मां कहती देखा अभी 6 महीने शादी को नहीं हुए जोरू का गुलाम बन गया, इससे तो बेहतर था इसकी मैंने शादी नहीं की थी, होती तो अच्छा होता। तो मां मैंने कहा था तुझे कसम दी थी कि तू मेरी शादी कर, तुझे ही मुझे दूल्हा बनाने का शौक था, मैं तो तेरे सर पे बंदूक रख के नहीं बैठा था कि तू मेरी शादी करा, मैं तो वैसे ही ठीक था, तुझे ही थी चांद सी दुल्हन लाऊं, अब ये सूरज जैसी हो गई तो मैं क्या करूं। अब तो पत्नी के पास जाता हूं तो मां दुखी हो जाती है, और अगर मां के पास जाता हूं तो पत्नी कहती सारे दिन में 5 मिनट भी मुझे नहीं देते हो तो मैं कहां जाऊं। मैंने कहा एक काम कर, तू जैसे ही काम से आ ना मां के कमरे में जा ना पत्नी के कमरे में जा, सीधा संडास में चला जा, वहां आधा घंटा बैठ, वहां तेरा खून पीने वाला कोई नहीं होगा, आनंद में बैठ, जब तेरा दिमाग फ्रेश हो जाए शांति हो जाए तब तू बाहर निकल। ये जिंदगी की माया की लाठियां खा रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी भगवान की तरफ जाने को तैयार नहीं है, फिर भी भगवान की तरफ जाने को तैयार नहीं है कि इतनी मैं जीवन में माया के द्वारा सताए जा रहा हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा भजन कर लूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ताकि जिस सिचुएशन में अभी हूं कम से कम आगे तो ना हो, आगे मेरा दूसरा जन्म ना हो, दूसरा जन्म मेरा कभी भी ना हो। लेकिन नहीं, माया अपहत ज्ञानम, उसका ज्ञान उसकी बुद्धि को माया ने हरण लिया है, इसलिए वो 24 घंटे इसी झंझटों में पड़ा है, 24 घंटे इसी झंझटों में पड़ा है, और उसकी शांति भंग हो रही है, अशांत अशांत अशांत, इसीलिए वक्त से पहले हजारों बीमारियां उसके शरीर में घुस जाती है। और याद रखना, बीमार करने वाले और कोई नहीं है, वही बीमार करने वाले हैं जो हमारे लिए तंदुरुस्ती की हैं दुआ मांगते। ये माया है जो हमारे लिए तंदुरुस्ती की, मंदिर में जाके दुआ मांगते, घर पे आके खून पीते, तो वो दुआ कहां कबूल होगी। ये हमारी माताएं कड़वा चौथ का व्रत रखती, मुझे याद आया, कड़वा चौथ का व्रत इसलिए रखती कि उसके पति की क्या हो है, लंबी उम्र, और साथ में गाना भी गाती है, गंगा मैया में जब तक पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, कड़वे चौथ के दिन गाना भी गाती है, और खाना भी नहीं खाती है, कहती चांद देख के ही खाऊंगी भले 3 बजे रात को निकले, लेकिन नहीं। अब समझने की बात यह है कि कड़वा चौथ का व्रत साल में कितनी बार आता है बोलो, एक बार आता है, और साल में दिन है 365। अब अगर वो एक दिन अपने पति के लिए व्रत रखती है और बाकी 364 दिन उसका खून पिएगी तो कहां से लंबी उम्र होगी, समझने की बात है। एक दिन उसके लिए व्रत रखा और 364 दिन उसको टॉर्चर दिया, मेंटली टॉर्चर, इमोशनली टॉर्चर, कुछ नहीं है तो रोने ही बैठ जाएगी। अब एक तो आदमी थक कर आया सारे दिन का, तो जो लोग हमारे तंदुरुस्ती की दुआ मांगते अनजाने में कहीं ना कहीं वो हमारी बीमारी का भी कारण बनते हैं, यही माया की लाठियां।
इसे श्रील प्रभुपाद जी महाराज यहां समझा रहे हैं। है? देखो हर आदमी में जैसे जैसे बूढ़ा होता है ना, उसके अंदर का बच्चा और जवान होता है। जिस तरह से बचपन में वो अपने माँ बाप को देखते ही ऐसे हाथ करता था, तो माँ बाप क्या करते थे, हैं, उठा लेते थे ना, ऐसे माँ बाप भी जब बूढ़े हो जाते ना तो बच्चों की तरफ ऐसे उम्मीद से देखते हैं कि ये भी थोड़ा टाइम हमें देंगे। थोड़ा टाइम हमें देंगे, हमसे कुछ बातें करेंगे, हमारे पास कुछ 10-15-20 मिनट बैठेंगे। जैसे हम उनकी वाह 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 सुनते थे और जो भाषा में वही बोलते थे हम भी उसी भाषा में मम चाहिए मम चाहिए, जबकि हम उस समय पानी बोल सकते थे और क्या क्या बोलते, नहीं 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 करेगा मेरा बच्चा, नहीं करेगा, जबकि हम ठीक तरह से बोल सकते थे, लेकिन स्नेहवश ममतावश प्रेमवश उनसे वही बोलते थे जो वो भाषा बोलते थे। लेकिन हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो भाषा ममता की भाषा कभी नहीं बोलते, ऐसी हार्ड भाषा बोलते हैं, ऐसी सख्त भाषा बोलते हैं, इतनी रफ भाषा बोलते हैं। वो भाषा जैसे हम कभी उनके साथ बोलते थे, वो भाषा हमारे साथ कभी नहीं बोलेंगे। यही माया की लाठियां हैं जो हम सब खा रहे हैं, जो हम सब खा रहे हैं, यही माया की लाठियां हैं। 20 बरस में जिसको आपने पाला, 2 सेकंड में उसका सब बदल जाएगा। आप लड़की की शादी करते हैं, लड़की की शादी करते हैं और अभी तो सगाई हुई है, सगाई भी नहीं हुई है, सिर्फ बात पक्की हुई है, तो वो आपसे ज्यादा फिर उससे ज्यादा फोनों पे बात करेगी। आप कहेंगे पुट एडेच हिंदी हिंदी, हाँ सोना, सॉरी मैंने आपको ऐसे बोल दिया, मुझे नहीं पता निकल गया, उसी में लगे रहेंगे। उसको सोना दिखेगा, चांदी दिखेगा, डायमंड दिखेगा और उसको पालने वाले सब, ये दुनिया पित्तल दी में बॉबी डोल सोने दी, ये कवि सही कहते हैं। फिर उनको सब पित्तल दिखेगा, माँ भी पित्तल, बाप भी पित्तल, भाई पित्तल, बहन पित्तल, सब पित्तल। ये है माया की लाठियां। अब इसमें ज्यादा बोलूंगा तो बहुत टाइम निकलेगा। श्रील प्रभुपाद जी महाराज समझाते हैं, अभी भी अपने उस रिश्ते को सोचो जो आपका वास्तविक साथी है, कृष्णा। कृष्णा आपका वास्तविक साथी है, उसी का भजन करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये है माया। सबों का दिमाग खराब किया है। माया क्या करती है पता है? हमारा दिमाग ऐसा कर देती है कि हम परायों को इम्प्रेस करने में आधा टाइम गुजार देते हैं। क्या कह रहा हूँ थोड़ा कान खोल के सुनना, क्या कहा मैंने? परायों को इम्प्रेस करते हैं और अपनों को इग्नोर करते हैं। परायों को इम्प्रेस करते हैं, उनकी नज़र में ऐसे बनेंगे जैसे हमारे जैसा अच्छा कोई है ही नहीं। परायों को इंप्रेस करते हैं और अपनों को इग्नोर करते हैं, इसी में उम्र जाती है हमारी। जो बाहर वाले हैं उनको इंप्रेस करते हैं और घर वालों को हम जी इग्नोर करते हैं। बाहर ऐसी बोलेंगे जैसे कोयल बोल रहे हैं और घर में ऐसे बोलेंगे जैसे कुत्ता भौंक रहा है। आपको विश्वास नहीं तो आप किसी भी अपने बच्चे की बाहर से सुनो, बोलेगा तेरे जैसा बच्चा तो किसी का है ही नहीं,
तेरे जैसी पत्नी किसी की है नहीं, हाँ तू ले ले फिर। ऐसे बोल नहीं सकते, अगर ये सिस्टम होता तो हो गया होता कभी का। तेरे जैसा पति किसी का हो, दिल में दुआ निकलती भगवान करे किसी का भी ना हो। ये माया की लाठियां खा खा के थक रहे फिर भी माया को नहीं त्याग। माया को त्यागने का मतलब इनको छोड़ना नहीं है, इनको नहीं छोड़ना है, इनसे उम्मीदें छोड़नी है, इनको नहीं छोड़ना है। वो तो युद्ध लड़ना है लेकिन इनसे है उम्मीदें छोड़नी। आज भी तेरा आसरा तू गोविंद मुझे चाहिए, इनको नहीं छोड़ना है, इनसे उम्मीदें छोड़ दो। ऐसा तो होना ही था, इसमें कौन सी नई बात है जो मेरे साथ हो रहा। क्यों? जहां मैं आई हूं दुखालयम अशाश्वत, जहां मैं आया हूं दुखालयम अशाश्वतम। दूसरों को इंप्रेस करते हैं और अपनों को इग्नोर करते हैं, दूसरों को इंप्रेस करने में सारी उम्र गुजार देते हैं और अपनों को जी इग्नोर करते हैं। पड़ोसन से ऐसे बातें करेंगे जैसे वो मासी है और माँ को ऐसे आंख दिखाएंगे जैसे वो डाइन है। दूसरों को इंप्रेस करते हैं और अपनों को इग्नोर करने में ही जीवन चला जाता है। और हम भी मूर्ख हैं, फिर उन्हीं से उम्मीद रखते 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 हैं। तब भी हम नहीं समझते श्रील प्रभुपाद जी महाराज के द्वारा कि हे कृष्ण तुम ही मेरे साथी हो, मेरे चीर साथी हो, लेकिन मैं तुम्हें भूल गया और माया की बहुत मार खाई है। अब मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं फिर से तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा। और याद रखना आप जितने बैठे हो आप सबों